प्लेन में एयर होस्टेस से मोहब्बत कर बैठे थे राजकुमार। पुलिस की नौकरी छोड़कर बने थे अभिनेता। फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाले बॉलीवुड कलाकार राजकुमार का 70वां जन्मदिन है। राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में भी उतने ही मुँह फट थे। जो दिल में आता था सामने वाले को वही बोल देते थे। उनकी जिंदगी के कई किस्से मशहूर हैं, जब उन्होंने अच्छे अच्छे स्टार्स को पानी पिला दिया। पंडित से बने राजकुमार। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था और करीबी लोग प्यार से जानी के नाम से पुकारते थे। गले के कैंसर की वजह से 3 जुलाई 1996 को राजकुमार का देहांत हो गया। वो मात्र 69 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। थानेदार से बन गए हीरो राजकुमार। 1940 में बम्बई आए और यहाँ पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, जिसे राजकुमार ने तुरंत मान लिया और नौकरी से इस्तीफा देकर फिल्म करनी शुरू कर दी। प्लेन में हुआ प्यार। एक बार सफर के दौरान राजकुमार की मुलाकात जेनिफर से हुई, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। बाद में राजकुमार ने जेनिफर ने शादी कर ली और जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। दोनों को 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे पुरु राजकुमार, पानिनी राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता राजकुमार थी। गोविंदा की शर्ट का बनाया रुमाल राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा राजकुमार के मुंह से ऐसा सुनकर बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि सर, आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लें। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। लेकिन 2 दिन बाद जब गोविंदा ने देखा राजकुमार ने उस शर्ट का रुमाल बनवा रखा था। अमिताभ का सूट है या पर्दा? राजकुमार की बेबाक जुबान का शिकार बीते जमाने में बिग बी सरीखे अभिनेता भी हो चुके हैं। बताया जाता है कि एक बार की बात है जब राजकुमार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से एक पार्टी में मिले और उन्होंने उनके विदेशी सूट की प्रशंसा कर दी। तब अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा, तो राजकुमार ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ पर्दे सिलवाने थे। यह बात सुनकर बिग बी मुस्कुराने के सिवाय और कुछ नहीं कर सके। बपी लहरी से बोले, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई। संगीतकार बपी लहरी के बारे में तो सब जानते हैं, वे अक्सर गहनों से लदे रहते हैं। एक बार एक पार्टी में संगीतकार बपी का सामना राजकुमार से हो गया। बपी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। पार्टी में बपी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने ही अंदाज में कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है, वो भी पहन लेते। यह सुनना था और बपी दा का मुंह खुला का खुला ही रह गया।